हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाहर सिक्योरिटी गार्ड का ऑलरेडी हॉल टिकट एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। उनका फिजिकल टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उनका रिटर्न टेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में वर्क असिस्टेंट का भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर वर्क असिस्टेंट का आएगा या बार ऑफिसर का भी लेवल का जो है उनका भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एडमिट कार्ड अभी एक एक पोस्ट का वन वन वीक के गैप के बाद सबके एडमिट कार्ड अब आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी कार्ड का आ चुका है। आज तो मैं अपने इस वीडियो में डिटेल्स आपको थोड़ा सैलरी का इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा है 7 पे कमीशंस आ गया। आप सबको पता है 7 पे कमीशंस आ गया। आप सबको थोड़ी सी होप है कि हमारी सैलरी थोड़ी इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, इंक्रीज सैलरी थोड़ी होगी कि नहीं होगी। तो देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट में अब सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, पर बहुत सारे पोस्ट अभी भी ऐसे हैं जिसमें अभी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्ट आपकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिसर में कितना डिफरेंस है सैलरी का, ये भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ अपने इस वीडियोज़ में। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट नौकरी चैनल लेके आता है आपके लेटेस्ट वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट टू फर्स्ट कोशिश करता है आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलो हम सैलरी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है 7 सेंट्रल पे कमीशंस पे स्केल, दिखा आपको यहाँ पे, ये देखिए दिखा, ये ऑलरेडी आपके ही साइड से इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला है, स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखिए, ये फर्स्ट है सिक्योरिटी, यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है और ये सिक्योरिटी गार्ड का है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें डायरेक्ट सिर्फ ये देखना है कि 7 पे के हिसाब से कितनी सैलरी यहाँ पे है, 35,400 और प्लस अलाउंस भी है। दैट मीन्स आप 40,000 मान के चल सकते हो एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे सैलरी कितना है 7 पे के हिसाब से 40,000, वहाँ पे जो 35,400 दिखा रहा है वो एक्चुअल प्राइस दिखा रहा है। उसके बाद आपका अलाउंस भी होता है जो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, अलाउंस एज एडमिसिबल। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का। अब देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, सिक्योरिटी गार्ड का 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे 18,000 सैलरी रखी गई है। आप देख सकते हो 35,000 से और 18,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो पोस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी है, इनका डिग्री के हिसाब से मतलब इनकी पोस्ट जो है उसके लिए डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका थोड़ा उनसे कम है तो सैलरी भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया। इनका 18,000 है बट इनको अलाउंस कर करके लास्ट इनको 25 तक मिलने के चांसेस है। ठीक है, 25 या 26, 1-2 हज़ार ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे बट मैं एग्जैक्ट मिनिमम मान के चलती हूँ 25,000। ओके, ये जो 18,000 दिया वो एक्चुअल अमाउंट दिया। तो ये है आपके पे स्केल 7 पे कमीशन के हिसाब से। आई होप आपको पे स्केल आपका पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।